हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मूले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और दोस्तों इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1। दोस्तों इसके प्रीवियस पिछले वीडियो में हम लोग ने 3 चैप्टर अपना कंप्लीट किया, मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्राइसेस और डिफरेंशिएशन। दोस्तों वीडियो अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख सकते हो, पूरा वहाँ पे वीडियो है, एक्सरसाइज वाइज है, सब है। अच्छे से देखिएगा वीडियो, समझ में जरूर, वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैक्स मोड। आता हूँ दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। यहाँ पे हम लोग ने दोस्तों प्रीवियस वीडियो में डेरिवेटिव सॉल्व किया डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे एप्लीकेशन मतलब क्या, उसका यूज मतलब उस कॉन्सेप्ट का, उस फॉर्मूले का हम लोग इसमें यूज करेंगे सम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसके पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मूले, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या हमको यूज आएंगे, और जब ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। हो सकता है अभी कुछ फॉर्मूले आपको नहीं समझ में आए, लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व करने पर आपको और बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और डिटेल में भी जब ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसको वहाँ पे लिख के लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं पहला फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, क्या दिया पे, लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x, ये हम लोग ने देखा था डेरिवेटिव में, बाय एनी कर्व एंड p कॉमा a कॉमा f ऑफ a दिया है, ये उसका कोऑर्डिनेट है b एनी पॉइंट ऑन इट। हम लोग नीचे देखते हैं, देन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट p इज f डैश, इट इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेडिएंट ऑफ द कर्व। तो दोस्तों मेरे को, मैं आपको यहां पे एक चीज बता दूं कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडिएंट ऑफ द कर्व एट पॉइंट p, हेंस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट p इज, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टेंजेंट दिया जो हमको ऊपर बोला था, हम लोग ने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया, एक पॉइंट ए पे ए प्लस एच, ये डिस्टेंस एच हो गया, ठीक है, एक पॉइंट ए पी हो गया हमारा एक, और ये पॉइंट क्यू हो गया, ठीक, यहाँ पे ये क्या हो गया हमारे लिए, ये क्यू हो गया, और यहाँ पे इस ये वाले कर्व को क्या बोलते हैं हम लोग, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एस। तो वहां पे क्या बोला, एट पॉइंट पी, देयरफॉर इक्वेशन जो डेराइव किया लोग ने, ठीक है, फॉर्मूला जो बनाया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पी इज क्या दिया, वाई माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ डैश ए ब्रैकेट में एक्स माइनस ए। तो ये फॉर्मूला दोस्तों आप लिख के ले लो, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, बाकी यहाँ पे खाली ये ग्राफ था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे यहाँ पे था, ए पॉइंट पी और क्यू है, उस पर स्लोप ड्रॉ किया, उसको क्या बोला एफ ऑफ एक्स, फॉर्मूला डेराइव भी हो सकता है, ठीक है, डिटेल में, लेकिन अभी हमको खाली इसके फॉर्मूले की जरूरत है, तो हम लोग खाली वो फॉर्मूला बाहर रखेंगे, वाई माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ डैश ए ब्रैकेट में एक्स माइनस ए। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी इज, अगर हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी ए कॉमा एफ ऑफ ए, जो हम लोग ने वहां पर देखा, इज क्या दिया, स्लोप अगर नॉर्मल हमको फाइंड आउट करने बोला, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी, तो उसका फॉर्मूला क्या है, माइनस वन अपॉन एफ डैश ए। दोस्तों एफ डैश ए क्या होता है, हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जैसे एफ ऑफ एक्स दिया होता हमको, हम लोग क्या निकालते थे, एफ डैश एक्स दैट इज डी वाई बाई डी एक्स होता था, तो वो यही हमारा एफ डैश एफ ऑफ ए दिया रहेगा, एफ डैश ए हम लोग निकालेंगे जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, आपको क्लियर होगा। अभी के लिए आप खाली फॉर्मूला यहाँ पे लिख के लीजिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, एक मिनट, तो आपको ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लिख के लीजिए, माइनस वन अपॉन है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गलती हुई, माइनस वन अपॉन एफ डैश है, ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा राउंड बना दिया था, वही यहाँ पे इरेज कर रहा था। तो फॉर्मूला क्या है, अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर यहाँ पे फॉर्मूला आपको पहला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोला तो फॉर्मूला आएगा वाई माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ डैश ए ब्रैकेट में एक्स माइनस ए, स्लोप ऑफ नॉर्मल बोला तो माइनस वन अपॉन एफ डैश ए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी पी इज बोला तो क्या आ गया, y माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू माइनस वन अपॉन एफ डैश ए ब्रैकेट में एक्स माइनस ए। तो आपको ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है, ठीक, एक दो और ये तीन, स्क्रोल करके आप लिख सकते हो। तो होप करता हूँ आपको दोस्तों ये क्लियर होगा, बहुत सिंपल है, खाली फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। वहां पे आपको कुछ ग्राफ भी बनाने नहीं बोला है, ठीक है, और ग्राफ अगर पूछा तो देखेंगे उसको। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी फर्स्ट कह दिया इंक्रीजिंग इन ए कॉमा बी इफ एफ डैश इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे आपको मैं सिंपल से बताना चाहूंगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, इंक्रीजिंग बोला तो आप ये खाली याद रखिएगा, कंडीशन क्या है, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इंक्रीजिंग बोला ना, तो आपको क्या याद रखना है, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ये आपको कंडीशन याद रखना है, बाकी हम सॉल्व करेंगे आपको क्लियर होगा। डिक्रीजिंग बोला
तो सॉल्व करेंगे f dash x is less than zero. ये चीज आपको ध्यान रखना, इंक्रीजिंग f dash x मतलब जैसे dy by dx हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, dy by dx should be greater than zero, decreasing बोला तो less than zero, ये आपको याद रखना है, ठीक है. इलास्टिसिटी ऑफ, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों, याद रखना कुछ इस तरीके से, ये छोटा n है, ठीक है, ऐसा. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग कैसा लिखते हैं, कुछ इस तरीके से, ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा भी है. तो उसका फॉर्मूला क्या है, माइनस पी अपॉन डी इंटू डी डी बाई डी पी. डी डी बाई डी पी क्या, डिमांड दिया रहेगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है. अगर हमको डिमांड दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, डिफरेंशिएट किया डी डी विथ रिस्पेक्ट टू पी, तो हमको डी डी बाई डी पी मिल जाएगा, और खाली ये फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करना है. पी हमारा क्या है वहाँ पे प्राइस, ठीक. तो यहाँ पे हमको खाली वो सब्सटीट्यूट करना है, खाली आप फॉर्मूला नोट डाउन करके रखेगा. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू माइनस पी अपॉन डी इंटू डी डी बाई डी पी. बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, खाली हमको इस फॉर्मूले का सबका यूज करना है इसमें पूरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है. नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते, क्या दिया, आर एम इक्वल टू पी ब्रैकेट में वन माइनस वन अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वेर आर ए दिखा है, वन माइनस वन अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यहाँ पे दोस्तों आर एम खाली देखेंगे क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू, आर ए क्या है आपका एवरेज रेवेन्यू, ये क्या आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैंने बोला पी प्राइस है. तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन करके रखिएगा, सॉल्व करेंगे और क्लियर होगा. बहुत सिंपल फॉर्मूले भी है, खाली यहाँ पे आपको ये सब फॉर्मूला भी याद रखना है, फर्स्ट फॉर्मूले सेकेंड थर्ड, ये एक्सरसाइज वाइज हम यूज करेंगे, ठीक है. सिक्स वाला क्या बोला, फॉर अ पर्सन विद इनकम एक्स, इनकम एक्स है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या दिया ईसी, ठीक है, सेविंग एक्स. तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो नाम के हिसाब से उसका पहला जो लेटर है वही लिख दिया, वो बहुत अच्छी बात है, वो हमको और समझ में आता है. तो उसका फॉर्मूला क्या, एक्स इक्वल टू मतलब यह है कि आपका इनकम, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर दिया, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम इक्वल टू जितना एक्सपेंड कर रहे, जितना हमारी इनकम है, एक्सपेंडिचर क्या यहाँ पे वो कर रहे हैं, और सेविंग दोनों मिला के हमारा इनकम होता है. तो वो फॉर्मूला बना है, उसके नीचे जो फॉर्मूला वो क्या, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू वन. एमपीसी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. तो एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. आपको याद रखना है सेम एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू वन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. ये फॉर्मूला दोनों आपको याद रखना है, एक्सरसाइज वाइज हम यूज करेंगे और डिटेल में सीखेंगे वहां पे, ठीक है. आते हैं नेक्स्ट, क्या दिया, अ फंक्शन एफ इज सेड टू हैव ए फर्स्ट मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू जीरो इफ एफ डैश इक्वल टू जीरो एंड एफ डबल डैश ऑफ सी इज लेस देन जीरो. तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप ये कंडीशन ही नोट डाउन करके रखिएगा. मैक्सिमम है एट एक्स इक्वल टू सी, हम लोग एफ डैश निकालेंगे, एफ डबल डैश निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इसको कंपेयर करते हैं. जो हमारा एफ डैश एक्स का एफ डबल डैश एक्स बोलो यहाँ पे सी लिखा है, कोई बात नहीं. तो यहाँ पे जो एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू आएगा उसको कंपेयर करेंगे कि जीरो से लेस है कि ग्रेटर है, तो हम लोग उसको डिसाइड करते हैं मिनिमम है कि मैक्सिमम है. ये लोग ने यहाँ पे कंडीशन डायरेक्ट मैंने लिखा है कि मैक्सिमम आया तो आपका ये कंडीशन होना चाहिए, लेकिन हमको क्या करेंगे, हम पहले दोनों को निकालेंगे. इफ मतलब ये पहला हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि लेस देन जीरो ग्रेटर है, तो उसके हिसाब से हमारा मैक्सिमम मिनिमम होगा. सेम यहाँ पे भी बोला मिनिमम एट एक्स इक्वल टू सी इफ एफ डैश सी इक्वल टू जीरो एंड एफ डबल डैश सी इज ग्रेटर देन जीरो. तो वो आपको ध्यान रखना है, खाली कंडीशन नोट डाउन करके रखिएगा. हम इस कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है. नोट क्या लिखा आपको, इफ डबल डैश सी इक्वल टू जीरो देन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल, ठीक है. अगर ये जीरो होता है तो सीधी सी बात है, ये जीरो होगा तो हम फर्स्ट ऑर्डर पे ही रहेंगे, सेकंड ऑर्डर निकालेंगे भी नहीं. इन सच केस वी हैव टू अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो फर्स्ट ऑर्डर पे ही रहेंगे दोस्तों. तो यहाँ पे उसके लिए कंडीशन क्या क्या दिया हमको, मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू सी, तो ये आपको कंडीशन है एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, बी एफ डैश सी माइनस एच इज ग्रेटर देन जीरो, सी एफ डैश सी प्लस एच इज लेस देन जीरो. मिनिमम एट एक्स इक्वल टू सी इफ एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, एफ डैश सी माइनस एच इज लेस देन जीरो, एफ डैश सी प्लस एच इज ग्रेटर देन जीरो, वेर एच आपका क्या होगा, बोरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर. तो दोस्तों हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया अभी, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग. यहाँ तक तो आपको हो सकता है समझ में आए, लेस देन ग्रेटर देन बोला तो, लेकिन यहाँ पे जब आपका टेस्ट फेल होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आप क्या करेंगे, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, वो हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे. अभी खाली आप लिख के लीजिएगा, ठीक. ये होप करता हूँ आपको इतना क्लियर होगा, एक बार वापस थोड़ा रिपीट करता हूँ. यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, ये जल्दी हमको ग्राफ बनाने नहीं आता है, ठीक है, एक्सरसाइज में बोला नहीं हमको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, हमको खाली जो इक्वेशन दिया है और बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे,
स्लोप ऑफ नॉर्मल बोला, स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला है हमारे पास, मैंने 1 अपॉन एफ डैश है वो निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल एट पी बोला, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप तीनों याद रखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो एफ डैश एक्स से लेस देन ग्रेटर देन रहेगा, वो कंपेयर करके हम लोग निकालेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला ये आप नोट डाउन करके रखिए। मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू का रिलेशन है ये समझ लो, ठीक है। और ये एक्सपेंडिचर और इनकम प्लस सेविंग का फॉर्मूला ये भी आप नोट डाउन करके रखिएगा। और ये मैक्सिमम मिनिमम ये हम और सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। एक्सरसाइज अभी सॉल्व करेंगे कि एफ डैश एक्स से हम लोग कैसा डिसाइड करेंगे कि वेदर इज एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम और मैक्सिमम मैट्रिक्स इक्वल टू जो भी आपको दिया रहेगा। ठीक है, ऊपर तो इतना आपको क्लियर होगा, और थोड़े से फॉर्मूले हैं दोस्तों, एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे और डिटेल में थोड़ा और सीखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा और गो थ्रू करिएगा, क्योंकि गो थ्रू करने से क्या थोड़ा सा माइंड में इम्पैक्ट पड़ता है कि जब हम सॉल्व करेंगे तो हाँ ये कुछ हमने देखा था, तो वो चीज याद आती है, रिमाइंड होती है। तो यहाँ पे मैं पहला आपको बताना चाहूंगा, ये क्या दिया, डिमांड फंक्शन। ये भी फॉर्मूला ही है, डिमांड हो सकता है आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो जैसा 11th में। ये डिमांड फंक्शन डी इक्वल्स टू क्या दिया, एफ ऑफ पी। ठीक है, तो मार्जिनल डिमांड क्या होगा, एम डी, दैट इज मार्जिनल डिमांड, डी एम इक्वल्स टू डी डी बाई डी पी। सब डेरिवेटिव का ही खेल है, डिफ्रेंशिएट करना है, जो डी दिया रहेगा उसको डी डी बाई डी पी विथ रिस्पेक्ट टू पी बोला तो वैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डी डी आएगा इन टर्म्स ऑफ पी तो डिफरेंशिएट डी विथ रिस्पेक्ट टू पी करेंगे तो डी डी बाई डी पी आएगा। तो वही मार्जिनल डिमांड हमारा क्या हो जाएगा, डी डी बाई डी पी। सप्लाई फंक्शन एस इक्वल टू जी पी दिया तो मार्जिनल सप्लाई एफ एस इक्वल टू डी एस बाई डी पी। सब फॉर्मूला हम नोट डाउन करके रखिएगा, सम सॉल्व करेंगे बहुत क्लियर होगा, बहुत सिंपल है। खाली डेरिवेटिव अप्लाई करना है, थोड़ा सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बस, दैट्स इट। ठीक है, तो तीसरे पे आते हैं, क्या दिया, टोटल कॉस्ट फंक्शन सी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, तो मार्जिनल कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, एमसी डीसी बाय डीएक्स। देखा यहाँ पे क्या दिया था, मार्जिनल डिमांड, तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट बोला तो डीसी बाय डीएक्स है, जैसे यहाँ पे डीडी बाय डीपी था, डीसी बाय डीएक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला, डिफरेंशिएट करेंगे तो डीसी बाय डीएक्स। एवरेज कॉस्ट जैसे सी है तो सी बाय एक्स, आपको थोड़ा सा यहाँ पे सी बाय एक्स फॉर्मूला आपको याद रखना है, डीसी बाय डी एक्स आता है, एवरेज कॉस्ट में थोड़ा चेंज है, ये खाली सी बाय एक्स आएगा, डिफरेंशिएट नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट आपका क्या आ जाएगा, सी ए सी बाय एक्स। होप करते हो दोस्तों क्लियर होगा, खाली यहाँ पे नोट डाउन करके रखें। और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या, आर इक्वल टू पी इंटू डी, पी इंटू डी। ठीक है, वेयर पी इज प्राइस, डी फॉर डिमांड, फॉर्मूला है रेवेन्यू इक्वल टू पी इंटू डी, पी प्राइस, डी डिमांड आपका। तो एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, आर ए इक्वल टू आर बाय डी इंटू पी बाय डी, और ये डी, तो ये डी डी कैंसिल होकर आपका फाइनली पी मिलता है, मतलब एवरेज रेवेन्यू आपका यहाँ पे प्राइस ही होता है। ठीक, यहाँ पे लोगों ने दिखाया है। और टोटल प्रॉफिट का फॉर्मूला है पाई, पाई का वैल्यू कभी भी आप इसमें 3.14 मत लेना। ठीक है, यहाँ पे एक इसको नाम दिया गया कि प्रॉफिट को पाई बोलते, तो टोटल प्रॉफिट पाई हम लोग बोलते हैं, आर माइनस सी। आर आपका क्या यहाँ पे रेवेन्यू, माइनस यहाँ पे आप सी को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कॉस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट दिया रहेगा एवरेज कॉस्ट, तो आर माइनस सी यहाँ पे दिया, तो कॉस्ट आपको अगर प्रॉफिट बोला है फॉर्म ने तो रेवेन्यू आपका जितना उसमें से कॉस्ट आता देंगे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या दिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये हमने देखा प्रीवियस में ही, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी बाई डी इंटू डी डी बाई डी पी। ठीक, पूरा फॉर्मूला खाली याद रखना है दोस्तों। आगे क्या दिया, डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ का रिलेशन दिया है, डिमांड इज इन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइस, डिक्रीजिंग बोला मतलब डी डी बाई डी पी आएगा डिमांड है, और लेस देन जीरो डिक्रीज हो रहा है तो लेस देन जीरो। ऑल्सो पी एंड द डिमांड डी आर ऑलवेज पॉजिटिव दिया है। ठीक है, यहाँ पे इलास्टिसिटी के ऊपर कंपेयर किया, प्राइस पी एंड द डिमांड डी आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो इलास्टिसिटी आपको फॉर्मूला दिया वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे जब भी, तो शुड बी ग्रेटर देन जीरो बोला। ऑल्सो प्राइस पी मतलब ये सॉल्व करने के बाद ये आपको कंडीशन भी होना चाहिए, प्राइस पी एंड द डिमांड डी आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब भी आप फाइंड आउट करोगे। ठीक, नेक्स्ट क्या बोला है, बी कंडीशन में इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो देन द डिमांड डी इज कांस्टेंट फॉर फंक्शंस ऑफ प्राइस पी। ठीक है, तो ये आप खाली यहाँ पे इसको नोट डाउन करिएगा, अगर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो हुआ तो डिमांड इज कांस्टेंट फंक्शन ऑफ प्राइस पी। ठीक है, तो डी डी ऑफ डी पी इक्वल टू जीरो करके उसको रिलेट करके सॉल्व करेंगे, डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। तो आपको ध्यान देना है, जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डी हुआ जीरो हुआ, डी डी बाई डी पी निकालेंगे जीरो हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा, ये डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। ये आपको क्वेश्चन में पूछते हैं कि सॉल्व करिएगा और डी डी बाई डी पी निकालिए और क्या है वो, मतलब जीरो है तो हमको बताना पड़ेगा कि ये हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक। सेम में अगर वो जीरो से
परफेक्टली लिखा था जो कि रॉन्ग था, सॉरी यहाँ पे रिलेटिवली इनइलास्टिक आएगा, ठीक है, लिखने में मिस्टेक होगा तो आपको ध्यान देना, अगर जीरो आया तो आपको ये लिखना है जीरो से बड़ा हुआ, वन से कम हुआ तो आपको रिलेटिवली इनइलास्टिक, अगर परफेक्ट वन आया, इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन, देन डिमांड इज एक्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक, ये सब चीजें आपको ध्यान देना है, सम सॉल्व करेंगे और क्लियर होगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट वाइज आपको ध्यान देना है, एक से बड़ा हुआ, एक से बड़ा हुआ तो डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक, ध्यान देना ये परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ये रिलेटिवली इलास्टिक, तो यहाँ पे जो दिया गया वो वर्ड को ध्यान देना, एक से बड़ा हुआ तो ये आएगा, ठीक है, ऊपर तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, आप यहाँ पे टेबल वाइज बना के भी लिख सकते हो, जीरो आया तो ये, जीरो और वन के बीच में ये, वन आया तो ये, वन से बड़ा ये, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी इसका रिलेशन बिटवीन दोस्तों देख लेते हैं, ये रिलेशन बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू आरएम, एवरेज रेवेन्यू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा पहले, आरएम इक्वल्स टू क्या हमारा ये मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, पी प्राइस है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वही फॉर्मूला हम लोगों ने प्रीवियस में देखा था, वो यहाँ पे मैंने और बताया है, क्योंकि जब भी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और इसको सीखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे गो थ्रू करना एक बार जरूरी है। उसके नीचे जो दिया है एमपीसी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फॉर्मूला क्या है डेरिवेटिव, मतलब डीईसी अपॉन डीएक्स, ईसी अपॉन एक्स, ठीक है, ये क्या है एक्सपेंडिचर है, एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है डीएस अपॉन डीएक्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का एस अपॉन एक्स, एक्स क्या आपका याद रखना है सेविंग है, ठीक है, यहाँ पे देखना ये दोनों में मार्जिनल में डिफरेंस ही है, डेरिवेटिव अप्लाई किया, इसमें डेरिवेटिव नहीं है, इसमें डायरेक्ट डिवाइड बाय एक्स करना है आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, और फॉर्मूला क्या था एक्स इक्वल्स टू दैट इज इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, वो फॉर्मूला हम लोगों ने पहले भी देखा, ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने पहले देखा, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू वन, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू वन, तो दोस्तों ये बहुत सिंपल है, पूरा एक्सरसाइज फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, कोई टफ नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है आपको, और ये सब इकोनॉमिक्स में आपको ज्यादा आप देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा आपके इकोनॉमिक्स में, तो होप करता हूं आपको ये समझ में आएगा इंट्रोडक्शन, ये सब फॉर्मूला आप गो थ्रू करिएगा एक एक बार और लिख लीजिएगा, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले थोड़ा और रिवाइज भी करेंगे फॉर्मूला क्या हमको यूज आने वाला है वो एक्सरसाइज में, ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको ये सब नोट डाउन करना है, ठीक है, ये डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला याद रखिए, टोटल रेवेन्यू का, एवरेज रेवेन्यू, प्रॉफिट दैट इज पाई, पाई का आपको हमेशा कभी भी वैल्यू नहीं डालना, ये चीज याद रखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड अगर इंक्रीज हो डिक्रीज हो रहा है तो ये, उसके बाद ये प्राइस पी एंड द डिमांड आर ऑलवेज, तो ये सब दोस्तों कंडीशन है कि ये आना चाहिए तो ये होना चाहिए, तो कंडीशन यहाँ पे हो सकता है एक्स्ट्रा भी फॉर्मूले में लिख दिया गया है, लेकिन जो हमको एक्सरसाइज में सॉल्व करने आएगा तो हो सकता है हमको यूज भी करना पड़े, तो आपको याद होना भी जरूरी है, ठीक है, वैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यहाँ पे जो ये रिलेशन है कि अगर जीरो आया तो क्या होगा, जीरो और वन के बीच में हुआ, वन आया तो क्या होगा, वन से बड़ा हुआ तो क्या लिखना, ये चीज आपको याद होना चाहिए, फिर मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्रॉफिट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रिलेशन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इसका सबका रिलेशन, ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जब भी उसके पहले भी थोड़ा रिवाइज करेंगे, लेकिन आप गो थ्रू करेगा, ठीक है, और आपको क्लियर हो जाएगा, दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.1 में, और दोस्तों वीडियो आपको समझ में लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैक्स मोड, आगे मिलेंगे, और आपको दोस्तों आगे मिलने से पहले एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपको कुछ किसी भी वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का ग्रुप का आईडी, आप उसको ज्वाइन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।